IUCAW के उप पुलिस अधीक्षक व उनकी टीम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए व कानून की जानकारी दुर्ग पुलिस द्वारा इन दिनों खाकी की चौपाल लगाकर दी जा रही है। IUCAW के मार्गदर्शन में श्रीमती शिल्पा साहू उप पुलिस अधीक्षक द्वारा ग्राम भरदा कोनारी में खाकी की चौपाल लगाकर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए, जहां उनकी समस्याएं शिकायतों को उनसे पूछा गया और बच्चों को गुड टच बैड टच और उनकी मदद के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1098 बताया गया। वहीं ग्रामीण महिलाओं के द्वारा बहुत से कानूनों के बारे में जानकारियां यहां पर दी गई, जैसे साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा अधिनियम, टोनही प्रताड़ना अधिनियम, विभिन्न महिला संबंधी कानून एवं शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में यहाँ बताया गया। DSP शिल्पा साहू के द्वारा महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा स्थिति को देखते हुए उपलब्ध वस्तुओं से कैसे बचाव करना है ये भी यहाँ पर बताया गया। यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ऐसे जगह जहाँ तकलीफ हो सकते है और छोड़ दे आपके हाथ में, तो पेन के भी उपयोग आप कर सकते हो। उसके बाद पानी, पानी की बॉटल, पानी काम की चीज है, बॉटल, बॉटल अगर भरे है तो डाले इसे मार सकते हो, जैसे हो सके हो, जैसे ताकत है वैसे आप सामने से एडार से मार सकते हो। और मान लो खाली रही बॉटल, खाली है तो एक ढक्कन के उपयोग करके ठुड्डी में मार सकते हो। तो ये सब चीज लग दिमाग लगाना है। कई मन बोलते हैं कि ये सिखाए बट ठीक है, लेकिन वो टाइम काम नहीं आया, तो भाई एक बार दिमाग में रही तो और टाइम भी आप याद कर सकते हो। जैसे पर्स है, ला तो दिखा पर्स ला, अगर जो जब भी ऐसे कुछ स्थिति आए वो टाइम जो भी आपके पास साधन उपलब्ध हो जाए, नहीं कि हर टाइम पर्स रखा है ना। यातायात नियमों का पालन करना, डायल 112 के बारे में यहां बताया गया। साथ ही नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, जमीन संबंधी ठगी, KYC और बैंकिंग संबंधी ठगी के संबंध में भी यहां पर जानकारियां दी गई। को पता नहीं था कि जो छोटी छोटी चीजें हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए, जो सेफ्टी पिन हो गया, हेयर पिन हो गया, बॉटल हो गया, पेन हो गया, उसका वो इस तरीके से भी उपयोग कर सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं घबरा जाती हैं, उनको उस टाइम को समझ नहीं आता कि कैसे अपना बचाव करना चाहिए। तो ये अगर एक बार उनके नॉलेज में आ जाता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिट है, खुश होती है। और चूंकि उनकी भाषा में ही हम उनसे संवाद करते हैं तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आती है, छत्तीसगढ़ी भाषा को वो अच्छे से समझती है, तो गांव वालों के लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है। साथ ही साथ जितने भी साइबर फ्रॉड है, क्योंकि ये मोबाइल से संबंधित हो रहे हैं, तो आज जब महिलाएँ जो है एंड्रॉयड मोबाइल स्मार्टफोन यूज़ कर रही हैं तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो जाती है। अभी चूँकि स्कूल की छुट्टी चली और एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अभी प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके अगर बच्चे उपलब्ध हो पाते हैं तो थोड़ा देर भी हम उनको एक बार गुड टच बैड टच और व्यक्ति ऐप के बारे में और सेल्फ डिफेंस के बारे में बता सके। अभी तक हमने लगभग दुर्ग क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के सभी स्कूलों को कवर किया है, ग्रामीण क्षेत्र के भी कुछ स्कूलों को हमने कवर कर लिया है, और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा, जिसमें हमर बेटी हमर मान योजना के तहत जो है बच्चों से संबंधित और महिलाओं से संबंधित सुरक्षा टिप्स और उनको अपने किस तरीके से आत्म सुरक्षा करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। दुर्ग पुलिस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के अलावा स्कूल व कॉलेजों में भी महिलाओं को अपनी आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जो कि तारीफ़े काबिल है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।